हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से जाएंगे। मेरा टारगेट ये होने वाला है कि नॉन साइंस स्टूडेंट जो है उसको भी समझ आए। हालांकि ये कंटेंट जो है, नॉलेज जो है, ये सभी के लिए है, ऑल कैटेगरीज के लिए। कोई भी आर्ट्स वाला कोई भी देख सकता है, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जैसा कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है। आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर बायोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सिंपल सी चीज़ है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे हम लाइफ को साइंटिफिक तरीके से पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दूंगा इसमें लाइफ का फिलोसॉफी अगर हम जाने बैठ जाए, अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग फिलोसॉफी में जाएं, तो यहाँ पे क्या है, लाइफ के बारे में बहुत सारे लाइफ अलग अलग तरीके से बताया गया, ये लाइफ है। पर यहाँ पे क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, साइंटिफिक स्टडी करने वाले हैं। या फिर मैं अगर दूसरे तरीके से बोलूँ तो क्या बोल सकते हैं उसे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि अगर अब हम बायोलॉजी बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ लाइफ हुआ, लेकिन अगर स्टडी ऑफ लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, मीन्स यहाँ पे लिविंग थिंग क्या होता है, मीन्स बायोलॉजी जो है यहाँ पे हम स्टडी ऑफ लिविंग थिंग बोल सकते हो आप, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग में क्या होता है, आप जानते हो बैक्टीरिया से प्लांट्स, एनिमल्स, जितना भी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे प्लांट एनिमल्स, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में आ गए। और बैक्टीरिया क्या, सिंपल है, बहुत छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सर हम कैसे पहचानेंगे, कैसे बता सकेंगे कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ हमें जानना होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, सर हमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ बता दो, है ना, तभी हम समझ पाएंगे ये लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे अगर आपको लाइफ समझना है तो आपको पता है कि लिविंग थिंग कैसे पहचानते हो आप, सिंपल, पहला मूवमेंट। नॉन लिविंग थिंग कभी मूवमेंट करता है, बिल्कुल नहीं करता। सेकेंड थिंग क्या होता है हमारे पास, सेकेंड थिंग हमारे पास हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी लिविंग थिंग आप देखते हो, पहले मैं छोटा था, फिर मैं इतना बड़ा हो गया, या आप भी छोटे हो गए पहले तो आप भी इतना बड़े हो गए, क्या हो रहा है, मैटर भी आ रहा है, आपके में एनर्जी भी है, दोनों आ रहा है, ठीक है। थर्ड आप क्या बोल सकते हो, रिप्रोडक्शन। फोर्थ अडेप्टेशन, लिविंग में, लिविंग थिंग्स में और एक क्राइटेरिया होता है, वो क्या होता है, हम लोग फूड लेते हैं, फिर एनर्जी डिराइव एनर्जी करते हैं, है ना, फिर रिमूव वेस्ट करते हैं, फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिम्यूली करते हैं या अडेप्टेशन लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझें अगर हम, तो जैसे अभी सपोज ठंडी था तो हम लोग जैकेट पहन के चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गर्मी आ रहा है, समर सीजन आ रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारे सन का टेम्परेचर क्या है, धूप का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है, तो हम लोग क्या है, लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, हाफ पहनते हैं, पतला पतला पहनते हैं, जैकेट नहीं पहनते हैं, तो चेंजेस आ रहे हैं ना, अडेप्टेशन हो रहा है। भले ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन लिविंग थिंग ही कहते हैं ये सब अडेप्टेशन, क्योंकि पहाड़ को क्या मतलब है, है ना, या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग को क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे, है ना। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे कैसे एग्जामिनेशन में, और अगर हम साइंस के तरीके समझें, तो यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट करेंगे। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन इन बॉडी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। आपको पता है हमारा जो बॉडी है उसमें क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एयर लिया, फिर एयर लेने के बाद इनहेल किया, उसको लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, लंग्स में जाने के बाद मेरा बॉडी हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर फूड खाता हूँ, खाना, तो वहाँ डाइजेशन होता है, तो उसमें भी केमिकल प्रोसेस होता है, मतलब मीन्स क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे लाइफ का डेफिनेशन क्या हो गया, द टोटल सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी इज नोन एज लाइफ। मीन्स लाइफ में आपको पता है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म आपको पता है दो फॉर्म में होगा, एक मैटर होगा, एक एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या होगा समझते हैं, जैसे एनर्जी तो है मेरे पास, अभी एनर्जी है, है ना, लेकिन मैटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल पहले मैं छोटा था, लेकिन पहले आप लोग भी छोटे थे, अभी क्या हो रहा है, हम बड़े हो गए, क्योंकि मैटर में चेंज हुआ ना। मैटर मीन्स क्या होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, तो हम लोग बड़े हो गए, इतना हमारा साइज कैसे बड़ा, मैटर आ रहा है ना उसमें। मीन्स आपको पता है कि हम बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगा उसमें एनर्जी और मैटर दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना, इसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस का सिंपल और डेफिनेशन समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं, उसमें खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, डाइजेशन के थ्रू, है ना, एनर्जी मिलता है, उसको क्या करते हैं, उसे रिमूव वेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म को एक और एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री लैब गए, केमिस्ट्री लैब में आपको देखा होगा बहुत सारे अपैरेटस रखे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स, केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट होता है। लेकिन सपोज वो सभी अलग अलग तरीके से, मतलब हर एक केमिकल अलग है, हर एक टेस्ट ट्यूब अलग अलग है,
उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक इंडिविजुअल अपना टेस्ट ट्यूब लेगा, उसमें यूज़ करेगा, है ना। सबके लिए अलग अलग आराम से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन सपोज अगर हम लोग सभी लोग एक साथ बकेट में वही केमिकल को ना इमेजिन करो कि वो सब कुछ है सिस्टमेटिक तरीके से, वो एक ही बकेट है, उसी में हम केमिकल रिएक्शंस करते जा रहे हैं, वो पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। हम लोग कुछ भी कुछ केमिकल डालेंगे, उससे क्या होगा, हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए या फिर कुछ भी रिएक्शंस, कुछ भी रिजल्ट मिल जाए, कुछ अलग कलर फॉर्म हो जाए इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, मीन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सेल स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स में एक सेल है, है ना। सेल स्ट्रक्चर में क्या है, एक पर्टिकुलर सेल है, उसमें एक एक फंक्शन होते हैं पूरे, ठीक है। और सेल स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से स्ट्रक्चर वे में अरेंजमेंट है उसका, और वो जो डिवीज़न होगा, क्योंकि डिवीज़न होगा तो मैटर और एनर्जी दोनों में ट्रांसफॉर्म होगा, उससे हमारा रिप्रोडक्शन होगा, मीन्स डिवीज़न ऑफ सेल, दिस इज कहलाता है डिवीज़न ऑफ सेल, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी, कोई भी लाइफ जो है, लाइफ को हम कैसे पहचान सकते हैं, पहला रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर हम नॉर्मल लाइफ में नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि उसे माइक्रोस्कोप से हमें देखना पड़ेगा, है ना। और थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, सिंपल समझ आ गया होगा, ये तो लाइफ है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे अंदर हो रहा है, ये मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है ना, दिस इज मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ इज अडेप्टेशन, समझते हैं। अडेप्टेशन में अगर आपको सिंपल बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, अगर हम लोग अभी गर्मी के टाइम में समर सीजन में क्या करेंगे, धूप में अगर 2 घंटे 12 बजे दोपहर को धूप में अगर खेलने निकलते हैं सपोज, तो वहाँ पे क्या होगा, 2 घंटे अगर खेलेंगे हम, तो हमारा पूरा स्किन जो है टैनिंग हो जाएगा हमारी स्किन। और ये जो टैनिंग प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सन का जो रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो हमारी स्किन पे पड़ा, और स्किन में एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन नाम का केमिकल हमारे ब्लैक टैन करता है। टैन का जो प्रोसेस है मेलानिन प्रेजेंट होने के कारण ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा स्किन जो है टैन हो जाएगा, है ना। इससे क्या हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम बाहर नहीं जाते गर्मी के टाइम में, जाते हैं तो कवर करके जाते हैं, पूरा फुल पहन के जाएंगे। इस तरीके से हम गर्मी में अकॉर्डिंग टू अडेप्ट कर रहे हैं, मीन सबको पता है ठंडी में हम क्या कर रहे थे, जैकेट पहने थे बड़े बड़े मोटे मोटे। और नॉर्थ साइड में जाओगे आप, नॉर्थ इंडिया की तरफ ऊपर तरफ, तब आपको और ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगा वहाँ पे और ज़्यादा लोग जैकेट पहन के, हमेशा जैकेट पहन के रहते हैं वहाँ तो लोग, है ना। तो क्या हो रहा है, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं। दिस इज शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो इक्वेटर के पास क्या होता है, इक्वेटर के पास बहुत ही ज़्यादा, इक्वेटर के पास सन जो है होता है हमेशा हेड पे होता है, हमेशा सर के ऊपर होगा आपका सन। इक्वेटर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ के पर्सन जो हैं वो हमेशा ब्लैक होते हैं, उनका कलर जो होता है वो डार्कर होता है, डार्कर कॉम्प्लेक्शन का होता है उनका कलर, तो उनका क्या है, हमेशा डार्क रहेगा। लेकिन अगर आप जो ऐसा कंट्री देखते हैं जहाँ रशिया, सपोज रशिया जो है इक्वेटर से दूर है, है ना, तो वहाँ पे आप देखना ठंडी बहुत ज़्यादा ठंडी होता है, वहाँ पे एकदम मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे जैकेट पहनते हैं, उनका कलर बहुत ही फेयर होता है, बहुत ही फेयर, पूरा वाइट दिखेंगे आपको वहाँ के लोग। तो ये उनका जो कलर है वो जेनेटिक्स हुआ है, मतलब ओवर 1000 ईयर्स या फिर आप बोल सकते हो 10,000 ईयर्स के बाद उनका वो कलर जो है चेंज हुआ है, है ना, उनका वाइट हुआ है, उनका जेनेटिकली चेंज हो गया वो। तो वो क्या हो गया, अडेप्टेशन, दिस इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी ने अडेप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन फॉर लॉन्ग टाइम। इसी को हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन, क्या बोल सकते हैं इसको, इवोल्यूशन बोलते हैं हम, मतलब इवॉल्व हो गया पर्सन जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बींग जो है वो इवॉल्व हो गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं अडेप्टेशन। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलो या फिर कुछ भी बोलो, बहुत सारे अलग प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चारों के अराउंड ही आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मैटर, एनर्जी और मैटर मैंने बताया आपको, एनर्जी में टूट रहा है और मैटर में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ से मैटर भी फॉर्म होगा। मैटर फॉर्म हुआ मीन्स हमारा हाइट बढ़ गया, तो ग्रोथ हो रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, कोई रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 1 का 2 हो गया 2 का 3 हो गया, इस तरीके से डिवीजन हो रहा है। डिवीजन कैसे हो रहा है, अगर आप तो एकदम स्टार्टिंग में जाएं तो पहले सेल डिवीजन होगा, इट मीन्स डिवीजन ऑफ सेल को भी हम रिप्रोडक्शन यहाँ बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हो गया। तो आज का हमारा बेसिक एक्चुअली ये पहला क्लास है बायोलॉजी का, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको प्रयास किया समझाने का एक पॉइंट को,
धीरे धीरे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझने वाले हैं, जो भी है एकदम डिटेल में समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से डेली लाइफ से जोड़ के समझेंगे, बहुत ही इसी तरीके से आपको समझ आएगा। और भी अच्छे अच्छे कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका ऑलरेडी मैंने हायर मैथमेटिक्स का बहुत सारे लेक्चर्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया, वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आपके लिए जय हिंद जय भारत।